कॉफी हमारे जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और बहुत सारे लोग तो कॉफी रोज ही लेते हैं। हमको ये देखना है कि कॉफी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो जहाँ जरूर कॉफी के बेनिफिट्स हैं और कुछ लोगों के लिए कॉफी नुकसानदेह भी होता है। मैं आज बात करने वाला हूँ कि कॉफी के टोटल बेनिफिट्स क्या है, सेक्स में कॉफी कितनी फायदेमंद है, उससे नुकसान क्या है, किसने नहीं लेना चाहिए, किसने लेना चाहिए। तो आइए आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कॉफ़ी जो है ये बहुत ही कॉमन ड्रिंक है और कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी के रूप में ली जाती है, हॉट कॉफ़ी ली जाती है, आइस कोल्ड कॉफ़ी ली जाती है, कॉफ़ी मग्गे में ली जाती है, ग्लास में ली जाती है और बहुत ही मतलब कैफ़े कॉफ़ी डे जैसे जो आउटलेट्स हैं वहाँ तो बड़े बड़े महंगे मतलब अलग अलग 50 तरह की कॉफ़ी आपको मिलेगी। कॉफ़ी के फ़ायदे क्या है हमको देखना है। कॉफ़ी पीना चाहिए, कॉफ़ी के फ़ायदे क्या है। कॉफ़ी में क्या है कि कॉफ़ी एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है हमारे बॉडी का। कॉफ़ी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, कॉफ़ी में विटामिन्स हैं, B1, B2, B5, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे काफ़ी सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स उसमें हैं। मेन जो है वो है कैफीन, जो एक स्टिम्युलेंट है। कैफीन जो है वो हमारे ब्रेन का डोपामिन सिक्रेशन है वो बढ़ाता है, जिससे हमारी थकान दूर हो जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर अच्छे हो जाते हैं, मतलब मेमोरी, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए जब लोगों को ऐसा हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, बहुत टेंशन आ गया, तो लोग बोलते हैं अभी एक कॉफ़ी ले लेंगे, बहुत हॉट कॉफ़ी ले लेंगे, उससे ज़रा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। कॉफ़ी से ये भी फायदा मालूम हुआ है कि भाई कॉफ़ी से अल्जाइमर्स डिसीज़ और पार्किंसन्स डिसीज़, जो ब्रेन की बीमारी है, उसका इंसिडेंस, उसके चांसेस कम है जो रेगुलरली कॉफ़ी लेते हैं, स्टडी के अनुसार ये पाया गया है। वैसे ही डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो, और सिरोसिस ऑफ लीवर और लीवर कैंसर, ये कॉफ़ी ड्रिंकर्स में कम पाया गया है। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा कम करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। कैफीन की वजह से जब डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स हमारी बढ़ जाती है और ब्रेन के इनहिबिटिव फंक्शन जो है ब्रेन के, वो उसको रोकती है। जब इनहिबिशन ब्रेन का रोकती है कॉफ़ी, इसका मतलब एक्साइटेशन बढ़ा देती है, तो उससे डिप्रेशन कम हो जाता है, बहुत ही अच्छा फील करते हैं, लोगों को बहुत जोश आ जाता है। कॉफ़ी से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है और आपको पता ही है कि ब्लड सर्कुलेशन यदि पेनिस में बढ़ता है तो डेफिनेटली हार्ड इरेक्शन में, मतलब लैंगिक कठोरता के लिए वो ब्लड सर्कुलेशन काम में आता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन, उतनी ज़्यादा लैंगिक कठोरता। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है, इरेक्शन के प्रॉब्लम है, सेक्स के 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले अच्छी एक स्ट्रांग कॉफ़ी ले ले, और वो कॉफ़ी लेते हैं तो उनको इरेक्शन हार्ड होने में, मतलब अच्छी कठोरता आने में बहुत फ़ायदा होगा। तो सेक्स बेनिफिट क्या है कि भाई आपने 2 घंटा पहले एक अच्छी पूरा मग कॉफ़ी लेना है, बहुत ज़्यादा चीनी डालने का नहीं है, जितना भी आपको लगता है ऑप्टिमम, 1 कप जब कॉफ़ी लेते हैं तो प्योर दूध की लेना है, उसमें पानी बिल्कुल डालने का नहीं है। और कॉफ़ी जिनको मतलब जितनी स्ट्रांग ले सकते हो उतनी स्ट्रांग आपने कॉफ़ी लेना है। चीनी 2 चम्मच या 3 चम्मच जो भी आपको लगती है सूटेबल उतनी ही डालने का है। और स्ट्रांग कॉफ़ी आप लेते तो बहुत अच्छी गर्मी आ जाएंगी, पूरे बॉडी में गर्म लगना चालू हो जाएगा और आपका सेक्स जो है उसमें आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। कॉफ़ी में यह मन पड़ा है कि कॉफ़ी के बाद में लोगों की इच्छा बढ़ जाती है, लिबिडो बढ़ जाता है, सेक्स ड्राइव बढ़ती है, सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे सेक्स बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं। फिर कॉफ़ी किसने लेना चाहिए ये भी आपको देखना जरूरी है। जिनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कॉफ़ी से एंग्जाइटी बढ़ती है, कभी कभी कुछ लोगों को पैल्पिटेशन बढ़ता है, घबराहट होती है, तो ये लोगों ने नहीं लेना चाहिए। जिनको नींद का प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं लेना चाहिए कॉफ़ी। तो जब नींद का प्रॉब्लम है तो उन्होंने डेफिनेटली 4 बजे के बाद में, दोपहर के 4 बजे के बाद में कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, उसके पहले आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर ये सब हमने देखे फ़ायदे, हमने देखे नुकसान। अभी हमको ये देखना है फिर क्या हमने कॉफ़ी लेना चालू करना है। तो बिल्कुल नहीं, आप यदि कॉफ़ी नहीं लेते होंगे तो बिल्कुल चालू मत करो, मगर यदि आप कॉफ़ी लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है। सिर्फ कॉफ़ी एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब कैसा है कि भाई आप 2 कप लेते हो तो उतनी मज़ा आने के लिए फिर आपको कभी कभी 3 लेने की जरूरत पड़ती है, 4 लेने की जरूरत पड़ती है, फिर कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा ये हो गया, थॉट्स बहुत ज़्यादा हो गए, टेंशन है, ऐसा है, फिर आप 5-6 कप भी ले लेंगे
उससे वजन बढ़ता है, कैलोरीज काफ़ी कैलोरीज आ जाती है, उससे वजन बढ़ेगा, फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी, तो एडिक्शन के चांसेस है। तो यदि आप ले रहे हैं तो आपने 2 कप से ऊपर नहीं लेना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करो। और यदि आप 2 ही कप लेना चाहते हैं तो सेक्स के पहले यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली सेक्स अच्छा हो जाएगा। हाँ, मगर प्रॉब्लम ऐसा है कि यदि उसके बाद में यदि आपको नींद आती नहीं है तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिनको नींद का प्रॉब्लम है उन्होंने सेक्स के पहले कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। और आपने ये देखना है कि भाई 2 से ज़्यादा बढ़ाने का नहीं है, 3, 4, 5 ऐसे लाने की ज़रूरत नहीं है, इतने लेना अच्छा नहीं है कॉफ़ी। बाकी कॉफ़ी लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। और सेक्स के पहले एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का कप आप लेते हैं, प्योर दूध का, बिना पानी का, एक पूरा चम्मच स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी पाउडर, 2-3 चम्मच शुगर, तो उससे आपको बहुत अच्छा बूस्टर मिलेगा। आपकी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, डोपामिन लेवल बढ़ेंगे, उससे सेक्स ड्राइव बढ़ेगा, लिबिडो बढ़ेगा और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपने आपका ख्याल रखना है, आपके परिवार का ख्याल रखना है, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।